एक्ट्रेस पायल घोष के अनुराग कश्यप पर ताजा आरोपों से सनसनी मच गई है। क्या सच में अनुराग ने पायल के साथ जबरदस्ती की कोशिश की या फिर ये मीचू का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? अब इस सवाल पर खूब बहस चल रही। पायल घोष अब अपने अलग अलग इंटरव्यू में अनुराग के ऊपर खुलासे कर रही, लेकिन कौन है ये पायल घोष? पहले इन्होंने कौन सी फिल्में की, कौन सा टीवी शो किया और अनुराग से वो मिली कैसे? आखिर क्यों एक वक्त में पायल के सामने ऐसा वक्त आ गया था जब उन्हें बॉलीवुड में काम छोड़ना पड़ा? आइए आपको बताते हैं इनकी पूरी कहानी। पायल घोष एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने साउथ और हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने साल 2017 में ऋषि कपूर की फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। कोलकाता की रहने वाली पायल ने वहीं के सेंट पॉल्स मिशन स्कूल से पढ़ाई की, वहीं कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन की। वो फिलहाल मुंबई में रह रही है। आपको बता दें कि 17 साल की उम्र में पायल घोष ने बीबीसी की टेली फिल्म शार्ट्स पैरल में काम किया था। वो इस फिल्म के ऑडिशन के लिए एक दोस्त के साथ गई थी और सेलेक्ट हो गए। अंग्रेजी सोल्जर रिचर्ड शार्क पर बनी इस फिल्म में पायल ने बंगाल के एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी का किरदार निभाया था जो गांव में रहती थी। पायल ने एक कैनेडियन फिल्म में भी काम किया था जिसमें वो एक स्कूल की लड़की बनी थी और इस लड़की को अपने पड़ोसी के नौकर से प्यार हो जाता है। आपको बता दें कि पायल के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करे, इसलिए अपनी कॉलेज की छुट्टियों में वो कोलकाता से मुंबई भाग आई थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई की नामित किशोर एक्टिंग एकेडमी को ज्वाइन किया। वहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर येलपी से हुई जिन्होंने पायल को तेलुगु फिल्म प्राणायाम में काम दिया। इस फिल्म में उनके साथ मंचू मनोज ने काम किया था। बाद में पायल ने ओसर वैली और मिस्टर रास्कल जैसी तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने वर्षाधारे नाम की कन्नड़ फिल्म में भी काम किया। साल 2012 में विवेक अग्निहोत्री ने पायल को अपनी फिल्म फ्रीडम में रोल दिया और ये फिल्म शूट हुई लेकिन कभी रिलीज नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कॉमेडी फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में काम किया। इस फिल्म में उनके हीरो वीर दास थे। डायरेक्टर संजय छेद की ये फिल्म 15 सितंबर 2017 को रिलीज हुई थी। इसमें परेश रावल, ऋषि कपूर और प्रेम चोपड़ा ने काम किया था। इस फिल्म को खास पसंद तो नहीं किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी नहीं कर पाई थी। फिल्मों के अलावा पायल ने टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में भी काम किया हुआ है जिसमें उन्होंने राधिका का रोल निभाया था। आपको बता दें कि पायल घोष द्वारा अनुराग कश्यप पर इल्जाम लगाने के बाद लोग अलग अलग तरीके से इस पर सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। वहीं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पायल NCW को शिकायत भेजे। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी रिएक्ट करके अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।